हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ 22 फरवरी 2022 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। सो फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स का अपने सेशन स्टार्ट करने के पहले, जैसा कि डेली के सेशन में होता है कि हम पहले लास्ट डे के करंट अफेयर्स का रिविजन करेंगे, देन हम स्टार्ट करेंगे अपने करंट अफेयर्स को। सो फ्रेंड, रिविजन का फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी लोकतंत्र सूचकांक 2021 की वैश्विक रैंकिंग में भारत किस स्थान पर रहा है। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स, आपका 46th रैंक पे जो है वो भारत रहा है। यानी कि इस रिपोर्ट में दुनिया के देशों में जो लोकतंत्र की स्थिति है उसका आकलन 5 पैमानों पर किया गया है। वो आकलन है चुनाव प्रक्रिया और बहुमतवाद, सरकार की कार्यशैली, राजनीतिक भागीदारी, राजनीतिक संस्कृति, नागरिक आजादी। इस सूचकांक में 1 से 10 अंकों के पैमाने के आधार पर रैंक तय की गई है। और टॉप 3 में जो कंट्रीज रही है दोस्तों, उसमें फर्स्ट पे रहा है आपका नॉर्वे, जिसका मार्क्स रहे हैं आपके 9.75। सेकंड पे रहा है न्यूजीलैंड, जिसमें रहा है 9.37 के साथ। और फिनलैंड रहा है आपका थर्ड रैंक पे, जो कि रहा है 9.27 रैंक के साथ। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई की जो मौद्रिक नीति है, इस समिति ने रेपो दर को लगातार 10वीं बार कितने प्रतिशत तक बरकरार रखा है। तो ये रखा है आपका 4% तक। यानी कि आरबीआई की जो मौद्रिक नीति समिति है उसने रेपो दर को लगातार 10वीं बार 4% पर बरकरार रखा है। और आरबीआई ने 8 से 10 फरवरी 2022 के बीच 2021-22 के लिए छठी और आखिरी मौद्रिक नीति जो समिति है इसकी बैठक आयोजित की है, जिसमें देश की मौद्रिक नीति के लिए कई अहम फैसले लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस 2022 यानी कि नेशनल प्रोडक्टिविटी डे 2022 कब मनाया गया है। तो ये मनाया गया दोस्तों आपका 12 फरवरी को। और इस बार की जो इसकी थीम रही थी वो रही थी कि उत्पादकता के माध्यम से आत्मनिर्भरता यानी कि सेल्फ रिलायंस थ्रू प्रोडक्टिविटी। अगला क्वेश्चन है, आईसीजीएस सक्षम पोत को भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया है। इस पोत का निर्माण किस कंपनी ने किया है। तो फ्रेंड्स, इस पोत का जो निर्माण किया है वो किया है आपका गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। और भारतीय तटरक्षक जो है यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड, जिसकी स्थापना हुई थी 18 अगस्त 1978 को। और भारतीय तटरक्षक बल दिवस जो है वो मनाया जाता है आपका 1 फरवरी को। और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और महानिदेशक है इसके वीएस पठानिया। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम जो है इसको किस बैंक ने शुरू किया है। तो फिर नाबार्ड के द्वारा इसको शुरू किया गया। नाबार्ड यानी कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, यानी कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसकी स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को। हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में और इसके अध्यक्ष है गोविंदा राजोलु चिंताला। अगला क्वेश्चन है, भारत अफ्रीका संबंध चेंजिंग होराइजंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो राजीव कुमार भाटिया जो है ये इस बुक के राइटर है। अगला क्वेश्चन है, किस स्पेस एजेंसी ने इनसेट 4B उपग्रह को निष्क्रिय कर दिया। तो इसरो जो कि भारत की एक स्पेस एजेंसी का नाम है, उसने 2022 के इनसेट 4B उपग्रह को निष्क्रिय कर दिया गया। और इसरो जिसका फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु कर्नाटक में और स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। संस्थापक है इसके विक्रम साराभाई और अध्यक्ष है एस सोमनाथ। इसके पहले जो अध्यक्ष रहे थे इसरो के उनका नाम था विक्रम साराभाई। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने वर्ष 2022 के पहले पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-04 को किस रॉकेट द्वारा लॉन्च किया है। तो ये किया था दोस्तों आपका PSLV-C52 के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, बिहार के खादी और हस्तशिल्प के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। तो मनोज तिवारी जो है वो इसके नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करेंगे आज के अपने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। सो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे करंट अफेयर्स का कि आर्थिक विकास संस्थान यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के नए निदेशक कौन बने हैं। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर ए, चेतन घाटे जो है वो इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के नए अध्यक्ष निदेशक बने हैं। और ये दोस्तों आपका अजीत मिश्रा का स्थान लेंगे। पिछले टॉप 5 राष्ट्रीय नियुक्तियां जो है इनका रिविजन करते हैं। तो फर्स्ट है यहाँ पे, भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक कौन बने, यानी कि नेशनल मैरिटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर MNSC कौन बने हैं। तो जी अशोक कुमार जो है ये बनाए गए हैं। अगला है, भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड के नए निदेशक बने दोस्तों आपका संजय मल्होत्रा। गुरुग्राम पहली महिला पुलिस कमिश्नर बनी दोस्तों आपका, जिनका नाम है कला रामचंद्रन।
और आंध्र प्रदेश के नए पुलिस महानिदेशक बने हैं राजेंद्र नाथ रेड्डी और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं विनीत जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, भारत के एकीकृत भुगतान इंटरफेस यानी कि यूपीआई को अपनाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है? ये बना है दोस्तों आपका नेपाल, यानी नेपाल जो है वो भारत के यूपीआई को अपनाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है और एकीकृत भुगतान इंटरफेस से नेपाल की डिजिटल इकोनॉमी को मजबूत करने में उल्लेखनीय मदद मिलेगी। यानी कि यूपीआई जो सिस्टम है तत्काल भुगतान सेवा यानी आईएमपीएस पर काम करता है और ये सर्विस नेट बैंकिंग के लिए काम करती है। नेपाल के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊं तो ये एक भारत का पड़ोसी देश है और एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी है काठमांडू और करेंसी का नाम है नेपाली रुपया। राष्ट्रपति है विद्या देवी भंडारी और प्रधानमंत्री का नाम है शेर बहादुर द्वेब। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट, जिसकी हाइट है 88.86 मीटर, ये भी नेपाल में स्थित है और इसे नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। यानी कि माउंट एवरेस्ट का जो नेपाल में नाम है वो है आपका सागरमाथा। अगला है, नेपाल की सबसे लंबी नदी का नाम है कर्णाली नदी, जिसका भारत में घाघरा नदी भी बोलते हैं। और भारत का कौन सा राज्य जो नेपाल के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है? तो वो है दोस्तों आपका उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, अगला है, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी नेपाल में जो है महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है, सार का मुख्यालय कहाँ पर है? तो फ्रेंड्स काठमांडू नेपाल में जो है सार का हेडक्वार्टर है। नेपाल की संसद का नाम है राष्ट्रीय पंचायत और भारत और नेपाल के बीच जो युद्ध अभ्यास होता है उसका नाम है सूर्य किरण। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के नए पुलिस महानिदेशक कौन बने हैं? तो ये बने हैं दोस्तों आपका रजनीश सेठ, यानी कि रजनीश सेठ जो है वो महाराष्ट्र के नए पुलिस महानिदेशक बने हैं और ये संजय पांडे का स्थान लेंगे। महाराष्ट्र जिसकी राजधानी है मुंबई और मुख्यमंत्री का नाम है उद्धव ठाकरे जो कि शिवसेना पार्टी से है। गवर्नर का नाम है भगत सिंह कोश्यारी और मुख्य न्यायाधीश है दीपांकर दत्ता। महाराष्ट्र की राजकीय पशु है गिलहरी, राजकीय पक्षी है कबूतर और राजकीय वृक्ष जो है यहाँ का वो है आम। यहाँ के छह पड़ोसी राज्य है जिसमें है पहला है गोवा, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात। और लोकसभा सीटों की संख्या है 48, राज्यसभा सीटों की संख्या है 19 और विधानसभा सीटों की संख्या है 288। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जो है इसका मुख्यालय महाराष्ट्र के मुंबई शहर में स्थित है। और RBI, SBI, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक, यस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, सेबी, NSE, BCCI, BSE इन सभी का जो हेडक्वार्टर है मुंबई में स्थित है। महाराष्ट्र के प्रमुख हवाई अड्डे हैं जिनमें आपका छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई, बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नागपुर। और महाराष्ट्र के मंदिर है कैलाश मंदिर एलोरा, सिद्धि विनायक मंदिर मुंबई, महाबलेश्वर मंदिर। अगला क्वेश्चन है, विश्व सामाजिक न्याय दिवस 2022 यानी कि वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस 2022 कब मनाया गया? तो ये मनाया गया आपका 20 फरवरी को। 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाया गया। इसकी शुरुआत हुई थी 2009 में और समाज में फैली जो भेदभाव है और उसकी असमानता की वजह से जो कई बार हालात इतने बुरे हो जाते हैं कि मानव अधिकारों का हनन होने लग जाता है। तो इसी तथ्य को ध्यान में रखकर जो हर साल है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसका मनाने का जो मुख्य उद्देश्य रहता है वो रहता है कि निर्धनता, बेरोजगारी और परित्याग की समस्या का सामना करना। और थीम रही थी इस बार की अचीविंग सोशल जस्टिस थ्रू फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट। पिछले टॉप 5 दिवसों का रिवीजन करते हैं तो फर्स्ट है यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय बचपन कैंसर दिवस 2022 जो है ये मनाया गया था 15 फरवरी को और थीम रही थी इसकी बेहतर जीवन रक्षा। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस 2022 दोस्तों ये मनाया गया था 14 फरवरी को और इसकी थीम रही थी 50 मिलियन स्टेप्स फॉर एपिलेप्सी। नेक्स्ट है विश्व रेडियो दिवस 2022 मनाया गया था 13 फरवरी को और थीम रही थी रेडियो एंड ट्रस्ट। नेक्स्ट है राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस 2022 मनाया गया था दोस्तों आपका 12 फरवरी को और इसकी थीम रही थी सेल्फ रिलायंस थ्रू प्रोडक्टिविटी। और डिजिटल दुनिया में लोगों को जागरूक करने के लिए सुरक्षित इंटरनेट दिवस 2022 जो है ये मनाया गया था आपका 8 फरवरी को और इसकी थीम रहती टुगेदर फॉर अ बेटर इंटरनेट। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे केरल राज्य का पहला कारवा पार्क जो है वो किस जिले में बनेगा? तो ये बनेगा दोस्तों आपका इडुक्की वागामोन में। केरल का पहला कारवा पार्क इडुक्की जिले में स्थित एक सुंदर हिल स्टेशन वागामोन में बनाया जाएगा। और राज्य सरकार की नई कारवा पर्यटन नीति के तहत पार्क को 25 फरवरी को यात्रियों के लिए खोल दिया जाएगा। फ्रेंड कारवा के बारे में आपको कुछ बताऊं
तो राज्य सरकार की नई कारवा परिवर्तन नीति के तहत जो इसमें दो तरह के कारवा पार्क होंगे, पहले मॉडल में दो लोगों के ठहरने की व्यवस्था होगी जबकि दूसरे में चार लोगों की फैमिली रह सकेगी। यानी कि पर्यटन कारवा में सोफा कम बेड, फ्रिज और माइक्रोवेव ओवन के साथ डाइनिंग टेबल भी होंगे। अगला क्वेश्चन है, मेटावर्स में स्थापित करने वाला दुनिया का पहला बैंक कौन सा बना है? तो ये बना है दोस्तों आपका जेपी मॉर्गन बैंक अमेरिका। मेटावर्स क्या है? तो मेटावर्स एक तरह की ऐसी तकनीक है जो टेक्नोलॉजी की दुनिया को वर्चुअल दुनिया की तरफ ले जा रही है, और मेटावर्स जो है वो सैद्धांतिक रूप से इंटरनेट का एक भविष्य है। ये एक 3D वर्चुअल दुनिया जहां लोग सेंसर, लैंस और अन्य गैजेट्स का उपयोग करके बातचीत कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, 7वां मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया दोस्तों आपका 19 फरवरी को, यानी कि हर साल 19 फरवरी को भारत मृदा स्वास्थ्य कार्ड SSC योजना के शुभारंभ के उपलक्ष्य में मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस मनाया जाता है। और वर्ष 2022 SSC योजना के शुभारंभ का 7वां वर्ष है। इस योजना का उद्देश्य हर 2 साल में सभी किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 फरवरी 2015 को राजस्थान के सूरतगढ़ में मृदा स्वास्थ्य कार्ड का योजना का शुभारंभ किया था। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना क्या है? तो ये एक कार्ड जो है मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी के बारे में विवरण प्रदान करेगा ताकि किसान जो है वो उपयुक्त उर्वरकों के साथ मिट्टी को पूरक कर सके और पैदावार बढ़ा सके। यह जो योजना है वो देश के सभी किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करने में राज्य सरकार को सहायता के लिए शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन है, 17वें वार्षिक बैंकिंग प्रौद्योगिकी पुरस्कार 2021 किस संस्थान द्वारा प्रदान किए गए हैं? तो ये किए गए हैं दोस्तों आपका भारतीय बैंक संघ यानी कि IBA के द्वारा। IBA ने 17वें वार्षिक बैंकिंग प्रौद्योगिकी पुरस्कार 2021 प्रदान किए हैं, और नेक्स्ट जेन बैंकिंग का जश्न मनाते हुए भारतीय बैंक जो है संघ ने बैंकिंग उद्योग में उन बैंकों को तकनीकों और प्रथाओं को मान्यता दी है जिन्होंने पिछले 1 साल में उच्च स्तर के नवाचार का प्रदर्शन किया है। बैंक ने इस आयोजन में सबसे ज्यादा 6 पुरस्कार जीते हैं। वर्ष 2021 में पुरस्कार प्राप्त करने वाला सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी बैंक का नाम है बड़ा बैंक खंड में बैंक ऑफ बड़ौदा, छोटे बैंक खंड में आया आपका दक्षिण भारतीय बैंक। विदेशी बैंकों के क्षेत्र में आया सिटी बैंक NA, और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में आया बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण। सर्वश्रेष्ठ डिजिटल वित्तीय समावेशन पहल पुरस्कार प्राप्त करने वाला जो बड़ा बैंक है फ्रेंड्स वो है आपका SBI, और छोटा है आपका जम्मू कश्मीर बैंक। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में आया है बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। अगला है, गेमिंग ऐप A23 के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये बने हैं दोस्तों आपका शाहरुख खान। यानी कि फ्रेंड पिछले टॉप 5 में ब्रांड एम्बेसडर का रिविजन करते हैं, तो फर्स्ट है यहाँ पे बिहार के खादी और हस्तशिल्प के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं दोस्तों आपका मनोज तिवारी, और एग्रीटेक स्टार्टअप कंपनी कृषि नेटवर्क के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं आपका पंकज त्रिपाठी। अगला है, उत्तराखंड राज्य के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं अक्षय कुमार, और फुटवेयर कंपनी बाटा इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर बनी है आपका दिशा पटानी। भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन स्किल गेमिंग प्लेटफॉर्म गेम्स 24/7 रमित सक्कर के नए ब्रांड एम्बेसडर बने आपका ऋतिक रोशन। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सीनियर वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2021-22 में महिला वर्ग का खिताब किसने जीता है? ये जीता है दोस्तों आपका केरल ने। राष्ट्रीय सीनियर वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2021-22 में केरल की टीम ने भारतीय रेलवे को 3-1 से हराकर महिला वर्ग का खिताब जीत लिया है, और पुरुष वर्ग में हरियाणा की टीम ने भारतीय रेलवे को 3-0 से हराकर यह खिताब जीता है, और इसका संस्करण रहा है 17वां। आयोजन स्थल रहा है इसका बिजू पटनायक इंडोर स्टेडियम भुवनेश्वर में। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त सामरिक एयरलिफ्ट द्विपक्षीय अभ्यास कोप शाओ 22 किन दो देशों के वायुसेना के बीच आयोजित किया जाएगा? ये किया जाएगा आपका अमेरिका और बांग्लादेश के बीच। यानी कि बांग्लादेश और अमेरिका की वायुसेना जो है उसके द्वारा एक संयुक्त सामरिक एयरलिफ्ट अभ्यास जिसका नाम है कोस्ट शाउट 22 आयोजित किया जाएगा। इस 6 दिन के द्विपक्षीय अभ्यास को प्रशांत वायुसेना द्वारा प्रायोजित किया गया, और इसका आयोजन स्थल रहा है आपका बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वयस्कों की शिक्षा के लिए न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम को किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो ये किया है दोस्तों आपका शिक्षा मंत्रालय ने। शिक्षा मंत्रालय जो है उसने वयस्कों की शिक्षा के लिए न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम को शुरू किया है, और यह जो योजना है वो देश के सभी राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के जो गैर साक्षर लोग हैं उनको कवर करेगी। और इसका जो मुख्य उद्देश्य वो ये है कि प्रौढ़ शिक्षा को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और घोषणा 2021-22 के सभी पहलुओं से जोड़ना है। वर्तमान समय में धर्मेंद्र प्रधान जो है भारत के शिक्षा मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है,
डिग्निटी इन अ डिजिटल एज मेकिंग टेक वर्क फॉर ऑल ऑफ अस नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये है दोस्तों आपका रो खन्ना। पिछले टॉप 5 पुस्तकों का रिविजन करते तो फर्स्ट है यहाँ पे हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक, पुस्तक के लेखक है दोस्तों आपका बिल गेट्स। नेक्स्ट है इंडिया अफ्रीका रिलेशंस चेंजिंग हॉरिजन्स, पुस्तक के लेखक है राजीव कुमार भाटिया। नेक्स्ट है इंडिया डेट इज भारत कॉलोनियलिटी सिविलाइजेशन एंड कॉन्स्टिट्यूशन के लेखक है आपका जे शाही दीपक। नेक्स्ट है फियरलेस गवर्नेंस के लेखक है दोस्तों आपका डॉक्टर किरण बेदी। और द डॉलर $10 ट्रिलियन ड्रीम के लेखक है आपका सुभाष चंद्र गर्ग। अगला क्वेश्चन है 40 साल के इतिहास में कौन सा देश है जो पहली बार ओलंपिक समिति सत्र 2023 की मेजबानी करेगा, तो ये करेगा दोस्तों आपका भारत। यानी कि भारत जो है वो 40 साल के इतिहास में पहली बार ओलंपिक समिति सत्र 2023 की मेजबानी करेगा और इस सत्र का जो आयोजन है 2023 यानी कि अगले साल मुंबई में किया जाएगा और 2023 में होने वाली इस वार्षिक बैठक की मेजबानी को लेकर हुए मतदान में भारत को वैध 76 मतों में से 75 वोट मिले हैं। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष रहे हैं डॉक्टर नरेंद्र बन्ना। अगला क्वेश्चन है एशिया के सबसे बड़े बायो सीएनजी प्लांट का उद्घाटन कहां पर किया गया है, तो ये किया गया दोस्तों आपका इंदौर मध्य प्रदेश भारत में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है उनके द्वारा एशिया के सबसे बड़े बायो सीएनजी प्लांट का उद्घाटन किया गया है और इंदौर के देव गुराड़िया ट्रेचिंग ग्राउंड में इसको किया गया है। यह प्लांट जो है वो पूरे एशिया महाद्वीप में ऑर्गेनिक वेस्ट से बायोगैस बनाने वाला सबसे बड़ा और देश का पहला प्लांट है। इस प्लांट से प्रतिदिन 17,500 किलोग्राम बायोगैस बनाई जाएगी और इसके साथ ही 100 टन उच्च गुणवत्ता वाली खाद भी इससे तैयार होगी। फ्रेंड टेस्ट क्वेश्चन आज का सौभाग्य योजना यानी कि सौर विद्युतकरण योजना के तहत भारत के किस राज्य में सौर आधारित सिस्टम के माध्यम से विद्युतकृत घरों की संख्या सबसे ज्यादा है। फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिएगा और वीडियो कैसा लगा प्लीज ये भी बताइएगा। और आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि वीडियो को प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए और शेयर करिए और अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर करंट अफेयर्स देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर प्रेस करिए। थैंक यू।